हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले दोस्तों, इस कंपनी की ओर से एक बहुत ही शानदार न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर इस कंपनी के शेयर्स आप लोगों के पास हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यहाँ पर इनके बहुत ही शानदार आते हुए आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। मतलब हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे लॉटरी भी लग सकती है। उससे पहले अगर हम लोग इस कंपनी के बातें करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो हम लोगों को अगर आईपीओ के प्राइस से अगर हम लोग बातें करें, तो ये प्रेजेंट टाइम में अभी भी हम लोगों को करीब 35 से 40% के डिस्काउंट में ही देखने को मिल रही है, गिरावट में ही देखने को मिल जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी को अगर आप लोगों को ऐड करना है, तो उसके पीछे आप लोगों के पास रीजंस होने चाहिए, ठीक है। एंड रीजंस क्या होने चाहिए वो हम आगे बातें करेंगे। उससे पहले इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उसके यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। सो दोस्तों, अभी सीधा यहाँ पे हम लोग अपने कंपनी के न्यूज़ के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है पेटीएम, उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 129% ग्रोथ हम लोगों को इसमें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथ भी बताए गए हैं, जो कि अक्टूबर एंड नवंबर 2021 का डाटा हम लोगों को ये देखने को मिल जा रहा है, जिसमें जो जीएमवी है दोस्तों उसमें 129% की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात चल रही है। एंड आप देख सकते हैं कि सेम पीरियड की अगर हम लोग बातें करें लास्ट ईयर में, तो आप देख सकते हैं कि इस बार हम लोगों को 129% का ग्रोथ देखने को मिल जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, इट सेड ऑन दिसंबर 13, मतलब आज ही की ये न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जिसमें आगे अगर हम लोग देखें तो दोस्तों आप देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कंपनी का जो जीएमबी है रोज़ यहाँ पे 1.66 लाख करोड़ इन अक्टूबर एंड नवंबर वर्सेस आप देखिए 72,800 करोड़ इन सेम पीरियड ऑफ द कॉरस्पेंडिंग ईयर्स, मतलब जो लास्ट ईयर यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, ठीक है, तो 72,800 था, जो कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.66 लाख करोड़ हम लोगों को अक्टूबर एंड नवंबर में ये चीज़ें देखने को मिल जा रही है। ऐसा खुद यहाँ पे पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइल में यहाँ पे बातें कही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये तो एक बहुत ही अच्छी डाटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और डाटा है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कि सितंबर मंथ बीत चुके हैं, उसके बाद का ये डाटा है अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। ये दो मंथ में ही हम लोगों की कंपनी जो पिछले साल का परफॉर्मेंस था उससे अच्छा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इनका क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को देखने को सुनने को मिल रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। सो दोस्तों, वापस से यहाँ पे हम लोग अपने कंपनी पेटीएम के ऊपर आ गए हैं। सो न्यूज़ तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अभी यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं कि इस कंपनी को हम लोगों को बाय करना है तो रीज़न क्या होने चाहिए। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी लगातार हम लोगों को घाटे में देखने को मिल रही है, लॉस में ये कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। अगर आप लोग इस कंपनी को बाय करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातें चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह कंपनी आगे चल के इनका जो घाटा है, जो कंपनी लॉस में अभी चल रही है, वो आगे चल के प्रॉफिट में आ सकती है, तो आप लोगों को इतना टाइम तो यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जा करके आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न्स इस कंपनी की ओर से देखने को मिल सकता है। वरना अगर आप लोग यहाँ पे इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यहाँ पे आए हुए हैं, तो दोस्तों अभी ये कंपनी जैसा कि मैंने बोला 35 से 40% की गिरावट में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर
बातें करें तो जो लोग इस कंपनी में अभी प्रेजेंट टाइम में हैं उनकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। तब तक आपको इस कंपनी में ज़रूर से यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो न्यूज़ थी वो हम कह सकते हैं अगर क्वार्टर थ्री से जोड़ें तो एक शानदार न्यूज़ है, जो कि हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा रिजल्ट यहाँ पर इनका आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छा जंप भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग इस क्वार्टर में इनका नंबर जरूर देखिए, अगर अच्छा आया तो आसाज से जिस रेंज में आप लोगों ने इस कंपनी को खरीदा है वहां तक ये कंपनी पहुंच जाए एंड आपके जो पैसे हैं वो भी आपको मिल सके, ठीक है। सो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।